दोस्तों हम लोग जब भी ज्यादा ट्रैफिक में जब गाड़ी चलाते हैं तो जो नया गाड़ी सीख रहे हैं या फिर जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी क्या क्या होता है, कभी ज्यादा ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो तो उसमें क्या होता है, आपका गाड़ी बार बार रुक जाता है। आप जहां गाड़ी में ब्रेक लगाते हो गाड़ी आपका बंद पड़ जाती है और पीछे से आपको जो पीछे वाला गाड़ी रहता है वो हॉर्न बजाता है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, हम लोग पैनिक्ड हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, इसमें आपको गाड़ी कभी भी बंद नहीं पड़ेगा, कितना भी ट्रैफिक हो आप आराम से चला पाओगे बिना इंजन को बंद किए हुए। दोस्तों पहले मैं दो एक चीज बताना चाहूंगा जो कि इससे रिलेटेड है, कौन सा स्पीड में क्लच यूज करना चाहिए, कौन सा स्पीड में क्लच को नहीं यूज करना चाहिए, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना, अगर आपकी गाड़ी का स्पीड 40 से ज्यादा है, 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, इन दैट केस आपको पहले कभी भी क्लच को नहीं दबाना है। ठीक है, क्लच को नहीं दबाना है, अगर आपका गाड़ी का स्पीड 40 से ज्यादा है तो फिर आपको पहले क्लच को नहीं दबाना है, आपको गाड़ी को खाली स्लो डाउन करने के लिए पहले आपको खाली ब्रेक दबाना है। ठीक है, खाली ब्रेक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, अगर आपका 40 से अगर कम में है स्पीड तो ब्रेक दबाने से पहले आपको पहले क्लच दबाना पड़ेगा, फिर ब्रेक को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज पहले दिमाग में रख लो कि गाड़ी का स्पीड अगर कम है तो तभी खाली ब्रेक से आपको गाड़ी नहीं रोकना है, 40 से अगर कम है तो हमेशा क्लच को पहले दबाओ। ठीक है, क्लच दबा के रख के फिर ब्रेक का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दोस्तों सोच लो आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो एकदम, और सिटी में कितना ड्राइव आपका मैक्सिमम स्पीड होगा, 20, ज्यादा से ज्यादा 30, तो क्या होता है, अगर खाली आप तुरंत ब्रेक लगा दोगे ना तो गाड़ी का क्या होता है, आरपीएम तुरंत नीचे आ जाएगा और गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा और आपका गाड़ी रुक जाएगा। लेकिन उसी लिए मैं पहले एक चीज बताया, अगर गाड़ी का स्पीड कम है तो हमेशा पहले क्लच को पूरा दबाओ फिर ब्रेक दबाओ। ठीक है, तभी देखोगे आप गाड़ी नहीं रुकेगा। अभी आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, क्या करना है आपको, अगर गाड़ी को आपको एकदम धीरे धीरे चलाना है, आप क्या करोगे, पहले क्लच को दबाओगे। ठीक है, क्लच को दबाओगे और धीरे धीरे करके एक्सेलेटर को दोगे, धीरे धीरे करके। ठीक है, ये एक्सेलेटर दबाओगे और क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे, और जब भी ब्रेक देना है क्लच को पूरा दबाओगे फिर ब्रेक लगा देना है। तो क्लच जब दबाओगे तो क्या होता है, इंजन का साथ जो गियर का जो ये जो गियर का जो है ना, इसका जो लिंक है वो टूट जाता है। तो ये क्लच का काम ही ये होता है, जो गाड़ी का साथ, गाड़ी के इंजन के साथ चक्का को थ्रू गियर बॉक्स जोड़ना। तो ठीक है, जब भी आप क्लच दबाओगे तो फिर आपका इंजन ऑटोमेटिकली वो फ्री रन होना शुरू हो जाएगा। तो उसी लिए जब भी कम स्पीड हो, ठीक है, गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो तो हमेशा क्लच को पहले दबाओ फिर ब्रेक का इस्तेमाल करो। लेकिन आप लोग जब भी हाईवे में जब गाड़ी चलाओगे ना, ठीक है, जब स्पीड ज्यादा रहता है, लेकिन तभी भी आपको अगर ब्रेक लगाना पड़े तो आप क्लच दबा के ब्रेक मत दबाना, क्योंकि आप जिस टाइम पे क्लच को दबा रहे हो ना इंजन पूरा फ्री हो जाता है, आपका गाड़ी के ऊपर कंट्रोल घट जाता है। तो गाड़ी जब भी ज्यादा स्पीड में हो खाली नॉर्मल ब्रेक यूज करो। ठीक है, नॉर्मल ब्रेक यूज करो, गाड़ी को स्लो डाउन करो, गाड़ी का स्पीड 40 से नीचे अगर आ जाता है क्लच दबाओ फिर ब्रेक दबाओ, ताकि आपका गाड़ी का इंजन बंद ना पड़े। मैं आशा करता हूं मैं आप लोग को ये चीज समझा पाया, जितना इजी हो सके मैं समझाया, इस चीज को प्रैक्टिस करो। और कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर दूसरा किसी वीडियो आपको देखना है या फिर मेरा जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो है इस सीरीज का आप जाकर देख सकते हो, काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द, और पहली बार देख रहे हो इस चैनल में, आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।